बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेगरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद तेगरा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आगामी 19 अक्टूबर को प्रस्तावित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर 15 सूत्रीय मांग का ज्ञापन शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे को सौंपा। 15 सूत्रीय मांग में किसानों को बाढ़ व सुखाड़ से हुई फसल क्षति की मुआवजा देने, बाढ़ पीड़ित गाँव भगवानपुर चक्की बिनलपुर सहित अन्य सभी परिवारों को मुआवजा देने, अनुमंडल प्रखंड अंचल मनरेगा बाल विकास सहित अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, जन वितरण प्रणाली स्तर पर व्याप्त अनियमितता समाप्त करने, राशन से वंचित परिवारों को राशन कार्ड की व्यवस्था करवाने, किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति के साथ काला बाजारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने, पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 10 रुपया अनुदान दिलाने, कटाव से विस्थापित परिवार को पुनर्वास की व्यवस्था करवाने, भूमिहीनों को 16 डिसमिल भूमि उपलब्ध करवाने के साथ ही आवास की व्यवस्था करवाने, बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने, बरौनी 2 बख्तर अस्तर निवासियों को भूदान में मिली जोत पर्चा की जाँच करवाने के साथ ही जल जमाव से मुक्ति एवं डेंगू तथा अन्य बीमारियों से बचाव का प्रबंध करने आदि मांगे शामिल हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत अंचल मंत्री परमानंद सिंह एवं किसान नेता दिनेश सिंह ने बताया कि बड़े पैमाने पर तेगरा की मैदानी क्षेत्र की भूमि सुखाड़ की भेंट चढ़ गई है। वही गंगा में आई बाढ़ की विभीषिका से फसल तबाह हो गया, लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। अब रबी की बुआई के समय गंगा की जल स्तर में वृद्धि होने से रबी की बुआई पर भी ग्रहण लग रहा है। सभी किसान आहत है। तेगरा में अंचलाधिकारी की अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से किसानों का एक भी काम नहीं हो रहा है। सभी सरकारी लाभ से किसान वंचित हैं। हर तरफ से किसानों को शोषण जारी है। ऐसे में बेगूसराय जिला को न तो सुखाड़ और न ही बाढ़ क्षेत्र घोषित करना उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि जनहित के 15 सूत्री मांग पर विचारों उपरांत त्वरित निदान नहीं निकाला गया तो धरना में आगामी नीति बनाकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। क्या कहते हैं, सुखाड़ में 11 सूत्री मांग लेकर हमने प्रखंड में धरना देने का कार्यक्रम किया। आप जानते होंगे बिहार सरकार जो अखबार घोषणा किया है उसमें बेगूसराय जिले को न आकार न क्या कहते हैं सुखाड़ में लिया है, न बाढ़ में लिया है, इसलिए वंचित कर दिया है। और इसीलिए हम तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने कार्यकर्ता और किसान हैं सब मिलकर वीडियो को 11 सूत्री मांग देकर हमने 19 तारीख को 11 बजे दिन से धरना कार्यक्रम दिया है। हमारी मुख्य मांग है किसानों को तमाम फसल जो सूखा और बाढ़ में डूब गया है उसकी फसल क्षतिपूर्ति दे, और बाढ़ आपदा कानून के मुताबिक जो प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपया और गल्ला देने का काम किया जाता था वो तुरंत दे। तीसरी बात, 1700 दाखिल खारिज का वाला रखा हुआ है, अभी तक एक भी दाखिल खारिज का काम नहीं होता है, उसको वो करे। ब्लॉक में तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर ये अंकुश लगावे। और आप जानते हैं वृद्धा